भारत के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ मिली हार का बड़ा कारण बताया। वीरेंद्र सहवाग के मुताबिक पाकिस्तान की टीम सिर्फ बहाने बनाती रह गई और अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया। सहवाग ने पाकिस्तान टीम की आलोचना करते हुए कहा कि बहाना बनाकर पाकिस्तानी टीम अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकती। वर्ल्ड कप 2023 के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 282 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में अफगानिस्तान ने 49 ओवरों में ही टारगेट हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। सहवाग के मुताबिक पाकिस्तान ने सही चीजों पर फोकस नहीं किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम को लगातार कहा जाता है कि उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले के 5 मैचों में मिली हार के बाद बहाना बनाया था, उसे देखते हुए उनकी ये हालत होनी ही थी। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम नहीं किया। अफगानिस्तान के लिए काफी गर्व की बात है, वो कई बार करीब आए लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सके। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 3 मुकाबले हार चुकी। भारतीय टीम के खिलाफ मैच हारने के बाद से वो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीते। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई। अब पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखना है तो बचे हुए सभी 4 मैच जीतने होंगे। इसके अलावा उन्हें दूसरी टीमों पर भी डिपेंड रहना पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा मैच खेल रही है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।